था। तो इस बार भी, आज भी, अभी आप लोग दादी के प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो दादी के भी प्रोग्राम के लिए सारी सेटिंग चल रही है। कल भी हम लोग जाने वाले हैं सारी शूट के लिए, और साथ ही कुछ भट्टी के भी आज सारे दिन प्रोग्राम थे। बट स्टिल एक संकल्प था कि नहीं, हमारे कुमार भाई जो लगातार एक सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं आपस में जुड़ करके, और एवरी संडे आप सब मिलते हैं, कोई भी सीनियर क्लास लेते हैं और आप सब उन पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। दुनिया के कुमार कहाँ जा रहे हैं और हम सब कुमारों को बाबा ने कितना सुंदर एक जीवन दिया है, लक्ष्य दिया है कि तुम साधारण कुमार नहीं हो, श्रेष्ठ कुमार हो, सनत कुमार हो, राज ऋषि हो, सारे संसार के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। बचपन में ही जब थोड़े युवा हुए, होश संभाला, तो लग रहा था जैसे हर एक सोचता है कि करियर क्या हो, किस फील्ड में जाया जाए। मन में ये आता था जब ज्ञान नहीं था तब भी कि दुनिया में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा मार्ग चुने जिसकी सचमुच समाज को आवश्यकता है, संसार को आवश्यकता है। और तब भी ये लगता था कि नैतिकता की बहुत कमी होती जा रही है, उसका पतन हो रहा है, लोग चरित्र खोते जा रहे हैं, मूल्य खोते जा रहे हैं, और उस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। और जब बाबा का परिचय मिला तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, अपने एक खुला आसमान और खुला लक्ष्य मिल गया जिसकी तलाश थी और जिसकी चाहना थी। हम सबको भी बाबा ने इसीलिए चुना है कि समाज जो इस ओर जा रहा है, हम एक आदर्श प्रस्तुत करें। समाज में जितने भी आज के युवा हैं उनकी दिशा क्या है और बाबा के बच्चों की दिशा क्या है, वो कैसे अपने जीवन में मूल्यों को ला रहे हैं, कैसे उनका जीवन संयम से भरा हुआ है, नियम से भरा हुआ है, और ये सारी चीजें हम बहुत खुशी से, आनंद से करें, हल्के रहते हुए करें, संघर्ष ना हो। दो ही चीजें होती हैं कुमार जीवन में या ब्राह्मण जीवन में, या तो संघर्ष या साधना। साधना है तो संघर्ष नहीं है, और संघर्ष है यदि तो फिर साधना का, जीवन का आनंद नहीं आता। इसीलिए हम अपनी साधना को जो बाबा ने हमें दिया है उसे अपने जीवन में बहुत सुंदरता से शामिल करके रखें। इसके लिए अपनी दिनचर्या सुबह से लेके रात तक की जो हमारी है, मधुबन में जो दिनचर्या बाबा ने बना के दी है, निश्चित रूप से आप सब उसका बहुत अच्छे से पालन करते होंगे, उसे और डीप करते चले, हमारा अमृत वेला और सुंदर होता चले। आज भी बाबा कह रहे थे मुरली में कि अमृत वेले से लेके रात्रि तक बाबा ने आज्ञाएं दी हुई हैं, मन की भी आज्ञा दी है, वाणी की भी आज्ञा दी है, कर्म के लिए भी आज्ञाएं हैं, हमारी वृत्ति और दृष्टि के लिए भी आज्ञा है, श्रीमत है। और यदि श्रीमत पर, बाबा की आज्ञा पर चलते हैं तो सहज ही बाबा की दुआएं मिलती हैं, जीवन सहज हो जाता है। आज की मुरली आपने सुनी होगी और चिंतन किया होगा इस पे, तो हमारे लिए मार्ग बिल्कुल क्लियर है, रास्ता बाबा ने पूरा स्पष्ट दे दिया है, बस उस पे हमें चलना है, दृढ़ता पूर्वक चलना है। अवरोध पैदा करते हैं हमारे अपने संस्कार, हम सबके पास हैं, पुरानी दुनिया से हम आए हैं, पिछले जन्मों की हमारी कुछ आदतें हैं, संस्कार हैं, और वही तो माया है ना, उसी को हम सबको जीतना है। और वो जीत हमें प्राप्त होती है बाबा के साथ से, साधना से। इसीलिए बाबा जोर देते हैं कि बच्चे कम से कम 4 घंटे हमारे योग का चार्ट जरूर हो, कम से कम, ज्यादा हम जितना ज्यादा करें बहुत अच्छा है। एक संकल्प तो मुझे हमेशा ये रहता है कि जिस पथ पे हम सबने कदम रखा है हम उसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। कुमार हैं, तन की भी शक्ति है, मन की भी शक्ति है, एक बार हमने ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बाबा के ही महावाक्य है कि कुमार यदि एक चीज करें तो फिर उन्हें नंबर 1 में आने से कोई नहीं रोक सकता। 2 बार बाबा ने ये बात कही है, और भी हो सकते हैं जो मेरे ध्यान में है। बाबा ने कहा, कुमार यदि दृढ़ता को अपने जीवन में ले आए कि बस करना है तो करना है, ये दृढ़ता उनमें है, लेकिन ये जो एक परिवर्तन के लिए, अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए, बाबा की जो श्रीमत है उसे धारण करने के लिए, अपने पुराने संस्कार को परिवर्तन करने के, यदि इस दृढ़ता को ले आए अपने पास तो नंबर 1 में आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात बाबा ने फिर से कही कि
कि कुमार नंबर वन में आ सकते हैं यदि केवल एक चीज कर लें तो। बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हमें अलग अलग ढंग से सिखाते हैं, समझाते हैं, और हम सबकी रगें बाबा से अच्छी और कौन समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा, कुमार यदि केवल एक चीज करें तो नंबर वन में आ जाएंगे, और वो है अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना। मन बुद्धि को एकाग्र करना, इशारे में बाबा की बात हम सब समझ जाते हैं कि यदि मन और बुद्धि संसार में भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, चाहे वो सुंदरता के पीछे हो या दुनियावी वैभव के पीछे हो, वस्तुओं के संग्रह के पीछे हो, तो मन बहुत भटक जाता है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने मन बुद्धि को भटकाते हैं या फिर उसे एकाग्र रखते हैं। आवश्यकता अनुसार हम सबको अर्निंग भी करनी है, आवश्यकता अनुसार हमारे जो भी लौकिक कार्य है वो करना ही है, लेकिन विस्तार नहीं। मन बुद्धि जैसे जिस कार्य में लगने हैं वहां लगे, उसके अतिरिक्त हम व्यर्थ में, अनावश्यक बातों में इसे ना लगाएं, क्योंकि यदि ये भटक गया तो इसे स्थिर करना बहुत फिर मुश्किल होता है। संकल्पों की गति यदि तीव्र हो जाती है तो आप जानते हैं कि उसे फिर से एकाग्र करना, शांत करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए आप सब बहुत बाबा के होनहार, समझदार, राजयोगी बच्चे हैं, लक्ष्य बहुत महान लेकर के चल रहे हैं, तो इस पर भी कार्य जरूर करेंगे, हमारी बुद्धि एकाग्र हो, हम एग्जाम्पल बन करके दिखाएं जैसा बाबा चाहते हैं। जब जगदीश भाई जी अपने अंतिम स्थिति में थे, संपूर्णता के नजदीक, तो ज्ञान सरोवर में उन्होंने एक क्लास कराई थी, वो क्लास मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने उस क्लास में कहा था कि एक विवेकानंद ने अपने गुरु को सारे संसार में प्रत्यक्ष कर दिया। एक विवेकानंद ने, हम इतने सारे बाबा के बच्चे मिलकर भी अपने पिता को प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि कहाँ कमी है और हमें और क्या क्या करना चाहिए। जरूर अब हम सब कुमारों को ये उमंग रखना चाहिए कि हमारे पिता जो इतने वर्षों से इस सृष्टि पर आकर गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, वो तो सर्वशक्तिवान हैं, परमात्मा हैं, उनके लिए साक्षात्कार कराना, प्रत्यक्ष होना, वो तो सेकेंड की बात है, वो तो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें अवसर दिया है कि मेरे बच्चे, सन सोर्स फादर कहा जाता है, तो हम सब बच्चों का ये कार्य है कि हम अपने पिता को प्रत्यक्ष करें, और वो प्रत्यक्षता वाणी के नहीं, वाणी से तो हम संदेश दे ही रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी हमारे जीवन से, हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोल से। लोग देखें और लोगों को ये लगे कि ये साधारण लोग नहीं हैं, साधारण कुमार नहीं हैं, ये तो अवतार लगते हैं, ये जैसे इस धरा पे कहीं से आए हुए हैं, ये अल्लाह लोग हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। वो हमसे पूछें कि आपको क्या मिला है, कहाँ आप जाते हैं, क्या करते हैं, आपके चेहरे पे ये नूर क्यों है, ये चमक क्यों है, आप इतने मुस्कान से भरे हुए कैसे हैं, लोगों के जीवन में तनाव है, उदासी है, परेशानी है, और आप इतने हल्के फुल्के खुश हमेशा कैसे रहते हैं, ये लोग पूछें। जब ये हमारे जीवन में होगा, ये तो शुरुआत है, ये होगा तो लोग आकृष्ट होंगे और सहज ही हम उनके मन बुद्धि के तार बाबा से जोड़ सकेंगे, जिस प्रत्यक्षता की बात बाबा भी चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ आप सब लगे हुए हैं, और गहन से गहन पुरुषार्थ करते चलें, अपनी प्लानिंग खुद करें। आप सब एवरी संडे मिलते हैं तो अपनी प्लानिंग जरूर पुरुषार्थ की करते होंगे, लेन देन भी करते होंगे, और जरूर करना चाहिए, इसे उमंग रहता है। अकेले करना कई बार ऐसा होता है कि हम करें ना करें, कुमार जीवन में कई बार थोड़ा सा ये आ जाता है, माया इस रूप में आ जाती है कि ठीक है, बहुत अच्छा उमंग है तो हम बहुत अच्छा करते हैं, और कभी थोड़ा सा उमंग कम हो जाता है तो फिर हम बैठ जाते हैं। लेकिन जब एक संगठन रहता है, एक दूसरे को जब हम देखते हैं कि इतने सारे कुमार एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग का चार्ट इनका इतना अच्छा है, ज्ञान में इतनी अच्छी गहराई है, धारणाएं इतनी प्यारी हैं, तो हमें भी एक उमंग आता है। तो संगठन का ये बल है जिसको बाबा हमेशा ही महत्व देते हैं कि अकेले चलना
अच्छी बात है, हमें चलना अकेले है, लेकिन संगठन का जहां बल मिल रहा है उस संगठन को भी हमें मिस नहीं करना है। तो ये संगठन दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे, आप सब बहुत शक्तिशाली बने, बाबा के राइट हैंड बने, यही श्रेष्ठ कामना है। मधुबन में तीनों कैंपस में बहुत सुंदर भट्टियां चल रही हैं, आप सबको इसका संदेश मिलता ही होगा। बाबा के भी बीच बीच में सुंदर संदेश आ रहे हैं, जिनमें भी बाबा लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे अब योग साधना को बढ़ाओ। आत्मा के लिए भी इसकी आवश्यकता है और सारे संसार को भी इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए अपनी योग साधना को बढ़ाते चलो, मौन को, साइलेंस को अपने पुरुषार्थ में शामिल करो। साथ ही ये जो आलस्य अलबेलापन आ जाता है, ढिलाई है, अब उसकी जरूरत नहीं है, समय नहीं है, इसीलिए इस ढीलेपन से, आलस्य अलबेलेपन से ऊपर उठो। विश्व पुकार रहा है, तुम्हें सबका कल्याण करना है, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्यों को पहचान कर आगे बढ़ना है। ये बाबा की सतत हम सबके लिए प्रेरणा है। इसीलिए संगठन में जो प्लानिंग करते हैं वो तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी एक सुंदर अपने लिए प्लान बना के रखें, क्योंकि हर एक के जीवन का एक अपना ध्येय होता है। हम सब ब्राह्मणों का भी, हम बाबा के बने हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ, कुमारों के लिए स्पेशली, हम जब बाबा के बन गए तो अब इसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है और सर्वोच्च प्राप्ति करनी है, उससे कम नहीं। अपना लक्ष्य हमेशा इतना ऊंचा हम बनाएं कि बस वो लक्ष्य हमें बैठने ना दे, निरंतर प्रेरित करता रहे, निरंतर आगे बढ़ाता रहे और हमारी अंदर की सारी कमी कमजोरियों को नष्ट करता रहे, क्योंकि लक्ष्य बहुत आवश्यक होता है। जिसके जीवन एक सुंदर लक्ष्य है वो व्यक्ति कहीं भी उलझता नहीं। देखिए, मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, आपके पास वक्त कम है और वो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप रास्ते से जा रहे होते हैं तो आप इधर उधर नहीं देखते। कोई आपका प्रियजन मिल भी जाता है तो भी आप हेलो मैं मिलूंगा बाद में करके आप निकल जाते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो, यदि आपका लक्ष्य निर्धारित है तो, और यदि आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, ठीक है पहुंच जाएंगे, जा ही रहे हैं, तो फिर रास्ते में हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, जो मिला उससे भी गपशप कर ले, ये हो जाता है। हमें बातें करनी है ज्ञान की, बातें करनी है पॉजिटिव, आगे बढ़ाने वाली, मदद करने वाली, शक्ति देने वाली, लेकिन अपने लक्ष्य पर इतनी फोकस्ड कि बाकी चीजें मुझे आकर्षित ना करें। सूर्य भाई जी ने एक स्लोगन बहुत पहले लिख के रखा था और वो अभी भी मधुबन में लगा हुआ है कि अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बना दो कि तुम्हें व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। हम ऐसे अपने ऊंचे लक्ष्य को लेकर के चलें, और आप सबने निश्चित रूप से ये किया होगा और इस पर जरूर वर्क कीजिएगा। आज थोड़ा सा वक्त कम है क्योंकि आगे कुछ शूट के लिए जाना है, हम लोग मिलते रहेंगे। मुझे खुशी हुई कि आप सबने आमंत्रित किया। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रश्न रखें, ताकि कुछ प्रश्न तो आज हम लोग ले लें, लेकिन निश्चित रूप से आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आप सबसे मिलके। जी 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 भाई जी, बिल्कुल। और आपने जैसा बताया अभी कि किस प्रकार से वर्तमान समय हम अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े, हम सभी कुमार जरूर उसे अमल में लाएंगे। और जैसे आपने कहा कि आपके चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष हो, वो आज हमें आप में देखने को सभी को मिलता है। तो भाई जी जो कह रहे हैं कि आज दादी जी के प्रोग्राम के निमित्त भी कई सारे कार्यक्रम की शूटिंग चल रही है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी समेटें। और अभी हम प्रश्नोत्तर सत्र स्टार्ट करते हैं, तो हमारे बीच में श्रीकांत भाई, मोहित भाई, अर्जुन भाई दिल्ली से भी हैं, तो हम सब भाई जी से सभी कुमारों के प्रश्न एक एक करके लेंगे। और भाई जी जो आप कह रहे थे कि भट्टी का, वाकई संडे को बहुत सुंदर, हर संडे किसी न किसी वरिष्ठ भाई या बहनों की क्लास यहाँ सभी कुमारों को मिलती है, और इंदौर जोन के विशेष दीदियों के अंडर में ये हम एक छोटा सा संगठन लॉकडाउन के अंतर्गत तैयार करके एक संगठन में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अभी हम सब प्रश्न पूछना चाहेंगे, तो मैं श्रीकांत भाई से अनुरोध करूंगा कि आज का प्रश्न स्टार्ट करें। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। सबसे पहले ओम शांति। जैसे कि रोहित भाई जी ने कहा, जैसे कभी भी कुमारों के जो ब्राह्मण परिवार के कुमार का आइडल मानते हैं हम आपको, और जब भी हम आपको देखते हैं तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है, और आपका हर्षित मुख चेहरा सदा हमें बहुत ही बहुत प्रोत्साहन देता है, बाबा की याद दिलाता है,
और हम आप जैसा बनने की हमेशा मतलब आपसे प्रेरणा लेते हैं और यत्न करते हैं कि हम आपके नक्शे कदम पर चलते रहे। तो आज का भाई जी प्रश्न पहला ये है कि जनरली जो कुमार है उनके लिए एक पवित्रता थोड़ा एक एक संघर्ष या चैलेंज बन जाती है। तो पवित्रता को बढ़ाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए ऐसा क्या विशेष पुरुषार्थ किया जाए अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से, कि जिससे पवित्रता और अधिक बड़े कुमारों की, चाहे मन हो, मन वचन कर्म और जो भी बाबा ने डीप परिभाषा बताई है पवित्रता की, वो अच्छे से अच्छे उसमें बढ़ोतरी होती जाए और मेंटेन भी रहे, इसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए, सभी को आप थोड़ा सा उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति। पवित्रता एक बहुत बड़ा विषय है और एक जर्नी भी है। जैसे हमारी संपूर्णता एक जर्नी है, वैसे पवित्रता की भी एक यात्रा है। इसलिए यदि हमने इस पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया है, यदि एक साल, दो साल हुए हैं, पांच साल, दस साल भी हुए हैं, हम ये ना मान लें कि ये संकल्प नहीं आएंगे या कुछ ये नहीं होगा, आएंगे, लेकिन हम कैसे उस चीज को जैसे ओवरकम करें, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। पहली बात तो ये कि यदि हम अपने मन बुद्धि को बिजी रखें, व्यस्त रखना बहुत जरूरी है, जिसको बाबा कहते हैं डबल लॉक लगा कर रखो, तन भी सेवा में हो या अपने स्थूल कार्य में हो, मन भी मन मना भाव रहे, यदि ये दोनों चीजें हमारे साथ हैं तो फिर अपवित्रता की स्थिति या संकल्प नहीं आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यदि हमारा योग का अभ्यास बहुत अच्छा है, हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा है, हम मुरली क्लास करते हैं, योग का चार्ट यदि 4 घंटे का है हमारा, तो फिर ये जो अपवित्रता वाले संकल्प हैं उनको आने की मार्जिन बहुत कम से कम हो जाती है। इसीलिए हम अपने योग के चार्ट पर विशेष ध्यान दें और उसमें भी अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास, क्योंकि हमारे 5 स्वरूप बहुत पवित्र स्वरूप हैं और हमारा ओरिजिनल स्वरूप यही है, तो जितनी ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमारी पवित्रता नेचुरल होती चलेगी। एक बात, यदि अपवित्र ख्याल आ जाते हैं तो उसे सस्टेन ना करें। कई बार ये होता है कि हम उसे सस्टेन करने लगते हैं, कि ख्याल आया, सस्टेन करना अर्थात उसको आगे बढ़ाते जाना कि अच्छा, और क्योंकि संस्कार है ना आत्मा के, जो पिछले हमारे कई जन्मों के, तो उसमें कई बार वो रस लेना शुरू कर देते हैं, तो वो ना करें, वो बहुत जरूरी है। जैसे ही हमें वो संकल्प आए, जैसे बाबा एग्जांपल देते हैं, वैष्णव लोगों को यदि कोई अपवित्र व्यक्ति छू जाता है, स्नान करते हैं, संकल्प आया, तुरंत हम कोई अव्यक्त मुरली, तुरंत ही कोई सुंदर बात उठाएं, पढ़ें और उस थॉट को रिप्लेस करें, उस स्थान को भी थोड़ी देर के लिए चेंज कर देना चाहिए यदि आपके ऊपर वो संकल्प हावी हो रहा है तो। एक और इम्पोर्टेंट बात पवित्रता के लिए कि हम बाहरी चीजें जहां से वो एंटर होती हैं, जो ट्रिगर है, उस ट्रिगर को बिल्कुल उसके लिए सावधान रहें। कई बार कुछ देखने से, इंटरनेट, मोबाइल हम सबके पास है, हम वहां पे कहीं चले गए या नहीं भी गए तो भी कोई चीज आ गई और आप जानते हैं कि ये चीजें इतनी लुभावनी हैं कि उस चीज की तरफ ध्यान चला ही जाता है, तो जितना हो सके हम अपने आप को इसमें संयमित रखें कि जो आवश्यक है, पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, सेवा से जुड़ा हुआ है, आप स्टडी कर रहे हैं, आपका फील्ड है, यदि उसमें आपको कुछ नेट की मदद लेनी है आप वो करें, लेकिन व्यर्थ की चीजें देखने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही आपके चिंतन में चलेगा और जो चीजें एक बार एंटर हो जाती हैं वो चीजें फिर परेशान करने लगती हैं, हमारे अंदर उस चीज को बढ़ाने लगती हैं जो हम नहीं चाहते, जो हमारी धारणा के खिलाफ है। इसलिए बाहरी चीजों से जो हम जानते हुए नोविंगली या कई बार अनोविंगली भी वहां चले जाते हैं, वो सारे द्वार हमें बंद कर देने चाहिए, तो पवित्रता हमारी बहुत अच्छी होती चलेगी और हमारी ये जो पवित्रता की संपूर्णता है वो तो बहुत गहन है, लेकिन यदि हम इस प्रकार की साधना करते रहेंगे तो संपूर्णता की ओर भी बढ़ते चलेंगे। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें और कभी
मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे अभी आप सबने एक संगठन बनाया है, तो मैं ये भी कहूंगा कि आपके सीनियर कई कुमार होंगे इस ग्रुप में, आप जिनको जानते हैं, आप उनकी भी मदद ले लिया करो। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ओपनली हम किसी और से चर्चा नहीं कर पाते हैं, हमारे सीनियर कुमार हैं तो जानते हैं, शरीर है, पुराना शरीर है, कलयुगी शरीर है, आत्मा के संस्कार भी हैं, तो कई चीजें अपने खान पान में भी ध्यान रखने की होती हैं और कई बार कुछ व्यवहारिक चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो आप ओपनली अपने जो बड़े भाई हैं, बड़े कुमार हैं, उनका भी, उनकी मार्गदर्शन ले लिया कीजिए, क्योंकि ये ग्रुप बना ही इसलिए है और सभी दिल से आपकी मदद भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, क्योंकि लक्ष्य है सभी संपूर्ण पवित्रता तक पहुंचे। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जी भाई जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शब्दों में इस संदर्भ में आपने मार्गदर्शन किया, और जरूर जिस कुमार भाई का प्रश्न था तो उस भाई को इस संदर्भ में अच्छा क्लियरेंस मिल ही गया होगा। और जैसे आपने बताया कि जो भी दिनचर्या, अमृत वेला और अव्यक्त वाणी, इनका अगर हम बहुत सही तरीके से, हमारी जो श्रीमत है दिनचर्या में बाबा ने दी है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो जरूर इस पवित्रता पर हम अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं और विकार पर जीत पा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछेंगे अर्जुन भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी को, भाई जी को लाइव देख कर ही बहुत उमंग उत्साह आ रहा है। दरअसल भाई जी को ज्यादातर रिकॉर्डिंग में ही सुनते हैं, और जैसा कि भाई जी ने बहुत कम लाइनों में शुरू में ही भाई जी ने कुमारों को जो लक्ष्य है उनका और कैसे उसको प्राप्त करना है उसके बारे में बताया, परंतु भाई जी ने पहले ही बताया कि दृढ़ता की शक्ति क्या है, कैसे उससे हम नंबर वन आ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे ही जुड़ा हुआ भाई जी एक प्रश्न है। भाई जी ने पूछा है, संकल्पों में दृढ़ता कैसे लाएं? सोचते हैं करेंगे करेंगे परंतु कर नहीं पाते। थोड़ा सा भाई जी आप इसके ऊपर स्पष्टीकरण करेंगे तो हम सबको इसका लाभ मिलेगा। जी जी, हम सबका लक्ष्य है कि हम करें, चाहते हैं कि ये हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम न बना करके 7 days का लक्ष्य रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, ये जो एक चीज है, जो एक धारणा है, एक बात है जिसे मुझे अपने जीवन में लाना है, 7 दिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए मुझे करना ही है। तो आप पूरी जीवन की बात मत सोचें, बहुत लंबी चौड़ी बात ना सोचें, 7 दिन का लक्ष्य रखें। 7 दिन दृढ़ता से यदि आप कर लेंगे, उसे एक्सटेंड करें फिर से अगले 7 दिन के लिए, फिर एक्सटेंड कर दें फिर अगले 7 दिन के लिए। ऐसे यदि आपने इसे 21 days कर लिया, 7 days से शुरू करके, तो आपके अंदर वो चीज पक्की हो जाती है। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में ला सकते हैं। दृढ़ता कोई और बाहरी चीज नहीं है, हमारे अपने अंदर है। जैसे बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि शांति तुम्हारे अंदर है, शक्ति तुम्हारे अंदर है, ये सारी चीजें, वैसे ही दृढ़ता की भी शक्ति हम सबके अंदर है। बस ये है कि जो पोस्टपोनिंग नेचर है, आज नहीं कल कर लेंगे, या फिर ये बात आ गई है अब इस बात को पूरा करने के बाद हम ये कर लेंगे, ये वाली चीज हमारी दृढ़ता को हल्की कर देती है। इसीलिए हम 7 days कुछ भी हो मुझे ये करना ही है। जब एक चीज आप करेंगे उसमें सफल होंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो पावर है, और फिर आप अन्य जो बातें हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, धारणाएं हैं, उनके लिए इसी ढंग से करते चलें तो दृढ़ता आपके अंदर आती भी चलेगी और साथ ही वो चीजें आपको धारण भी होती चलेंगी। कई बार वो चीज यदि ब्रेक होती है मान लीजिए, तो एक पॉजिटिव पनिशमेंट भी अपने आप को जरूर दिया करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अमृत वेला मेरा कमजोर है, मैंने सोचा कि अब 7 दिन तक मुझे ये करना ही है, अब यदि किसी दिन ये मिस हुआ तो मैं एक पॉजिटिव पनिशमेंट अपने लिए रखूं कि आज यदि अमृत वेला मिस हुआ है मैं सुबह का नाश्ता नहीं करूंगा, या फिर मैं दिन में 5 बार बाबा के पास 15-15 मिनट के लिए बैठूंगा, या 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ करके मैं योग करूंगा। कुछ ऐसी पॉजिटिव पनिशमेंट यदि अपने लिए रखते हैं तो वो जो दृढ़ता हमारी हल्की होती है वो फिर हल्की नहीं होगी, लेकिन आपकी ये दृढ़ता की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो है आपके अंदर, बस ये छोटी सी टिप्स आप अपना लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप कोई भी कार्य बहुत आसानी से, सहजता से कर सकते हैं। और हमारे लिए ये सारी चीजें करना, मैं कहूंगा बाएं हाथ का खेल है। हमारे अंदर विल पावर है। आप सोचो आप हो कौन,
आप पूरी दुनिया को बदलने वाले हो, भगवान के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, मास्टर गॉड हो। और मास्टर गॉड, मास्टर ब्रह्मा ये कहे कि मेरे अंदर दृढ़ता नहीं है, तो वो दुनिया वालों को भी अच्छी नहीं लगेगी, राइट? है हमारे अंदर, बस ये है कि ये जो हमारे संस्कार है ना, थोड़े से अलबेलेपन के, हल्केपन के, आलस्य के, ये उसे थोड़े से ढक लेते हैं। अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएं तो फिर ये दृढ़ता आसानी से आपके अंदर रहेगी। और यहाँ आप बाबा की भी मदद ले लिया करें कि बाबा ये मेरा संकल्प है, आपके सामने मैंने रखा है। बाबा से भी उस शक्ति को अपने अंदर भर लिया करें कि बाबा जैसे अपनी शक्तियां दृढ़ता के रूप में मुझ में भर रहे हैं, मेरे अंदर अनंत दृढ़ता की शक्ति है और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बस इस भाव, संकल्प और प्लानिंग के साथ यदि फील्ड में आप उतरते हैं तो आपकी ये दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी और सफलता आपको मिलेगी। जी भाई जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया। और मैं जानता हूँ कि जो भाई ने सवाल पूछा उनको इसका बहुत आपने अच्छा उत्तर आंसर दिया। और हम सभी भाई भी इस, आपने जो बताया कि दृढ़ता को हमारे अंदर ही है, इसको जागृत करना है, हमारी आंतरिक शक्ति है, तो हम सब भाई भी जो दृढ़ संकल्प में कमजोर हैं, इसके ऊपर आपके मार्गदर्शन के ऊपर चलकर अपने दृढ़ को पक्का करेंगे। अगला प्रश्न रोहित भाई जी पूछिए। जी मोहित भाई, आप पूछे अगला प्रश्न। मोहित भाई भटिंडा पंजाब से हैं। अनम्यूट करके। अब ये आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई, बोलिए। भाई जी, ये प्रश्न है पंजाब से एक कुमार भाई का। उन्होंने कहा कि शरीर सेहत को ठीक रखने के लिए अगर जिम जाया जाए तो ठीक है, इससे कोई देहबान की बात तो नहीं? जैसे जिम में क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग, थोड़ा सा बंदा देहबान में आ जाता है, तो उनका ये क्वेश्चन है। जी जी, देखिए कईयों का फील्ड होता है कि वो जिमिंग करें और बॉडी बिल्डिंग करें। यदि आपको, आप इस फील्ड को ही अपना रहे हैं और वही आप अपने करियर के रूप में लेना चाहते हैं या इस प्रकार की कोई चीज है, तब तो जिम जाया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा तो स्वास्थ्य के लिए और एक्सरसाइज के लिए बोलते ही हैं। लेकिन जैसे बहुत ज्यादा इस फील्ड में जाना वो भी आवश्यक नहीं है। बाबा कहते हैं एक बैलेंस रखें, एक्सरसाइज करें फिजिकल हेल्थ के लिए, बहुत ज्यादा बॉडी बनाने की, क्योंकि हम लोगों को तो वैसे भी अंग प्रदर्शन नहीं करना है बाबा के बच्चों को। तो यदि फील्ड नहीं है, आप उसको करियर के रूप में नहीं ले रहे हैं, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिम यदि आप फिजिकल फिटनेस के लिए जाते हैं, आधे घंटे एक घंटे उसको देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जाया जा सकता है। लेकिन एक्सेस नहीं, जैसे कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत वाली बात है, कि उसमें बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। फिटनेस के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप जरूर जिम जा सकते हैं। जी जी भाई जी, जरूर हम फिटनेस के लिए और भी चीजें, एक्सरसाइज आदि भी करेंगे। और वैसे तो भाई जी हर प्रश्न सूरज भाई जी से पूछते हैं तो हमारी क्लियर ही हो जाती है हर डाउट प्रश्न, लेकिन फिर भी ये एक बहाना है क्योंकि भाई जी से ये मिलना था, तो प्रश्न उत्तर चक्र तो एक बहाना है। तो अगला भाई जी से भी सारे प्रश्न आप लोगों के, सारे जो प्रश्न होते हैं आप लोगों के ही होते हैं। हाँ, बस मैं निमित्त बन जाता हूँ कि मैं वो प्रश्न आप लोगों के क्लियर कर दूं। तो मुझे लगता है कि सचमुच भाई जी के सारे प्रश्नों के उत्तर हम सबको प्रेरित करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। जी जी, भाई जी अगला प्रश्न है कि दादियों के सामने बाबा एग्जाम्पल थे, कर्म उनके देख के वो सीखते थे, दीदियों के सामने दादियां एग्जाम्पल थी, आप मधुबन में आपके सामने इतने वरिष्ठ भाई बहन और दादियां हैं, लेकिन हम कुमारों के सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिखता और कई बार सेंटरों में भी कमी कमजोरी हमें दिख जाती है, तो हम किसके कर्म फॉलो करें? क्योंकि ज्ञान सुनना ठीक है, लेकिन जब तक हम कर्म नहीं देखते, जैसे आपने शुरू में ही कहा चेहरे और चलन को देख के व्यक्ति चेंज होता है, तो हम फॉलो किसको करें? ये एक प्रश्न सदा ही मन में रहता है। जी देखिए,
हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमारे सामने कोई एग्जाम्पल के तौर पे रहे जिसको हम फॉलो करें। आपने देखा होगा कि सिख धर्म में भी गुरुओं ने, जब तक गुरु थे, गुरु परंपरा थी, तो गुरुओं को देख के, उनके शिक्षाओं को देख के लोग उनको फॉलो किया करते थे। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु का दर्जा दिया गया कि इसमें जो लिखा गया है वही आपको फॉलो करना है। मुझे लगता है कि बाबा की साकार मुरलियां, बाबा की अव्यक्त मुरलियां हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक जिसे देख करके आईना है जिसको हमें फॉलो करना है। तो कर्म में कोई हो हमेशा हमारे सामने, ये संभव भी नहीं है और मुझे लगता है आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने अपने मुरलियों में ब्रह्मा बाबा कैसे थे वो स्पष्ट कर दिया है, तुम्हें क्या करना है वो स्पष्ट कर दिया है, और ये कह दिया है कि तुम्हें ही एग्जाम्पल बनना है, तुम्हें ही सैंपल बनना है, तुम आदर्श हो, हीरो एक्टर हो, तुम्हें देख करके सारा संसार फॉलो करे। तो मैं व्यक्तिगत ऐसा मानता हूं कि हमें बाबा की मुरलियों को अपने सामने एक आदर्श के रूप में रखना चाहिए जिसके अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना है। बाकी आजकल तो और सहज हो गया है मुरलियों के अलावा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि लाइव हमारे सामने हमारे बड़े आते हैं, हमारी दादियां आती हैं, हमारे वरिष्ठ भाई बहने आते हैं, हमारे पास बुक्स हैं जिसमें दादियों के जीवन चरित्र, हमारे बड़े भाई बहनों के सुंदर अनुभव, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, हम उन्हें देख करके भी और इन किताबों को पढ़ करके भी सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में जो हमारे आदर्श हैं उनके अनुसार चलने का एक सुंदर सा अपना पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो ये सुंदर तरीके हमारे सामने हो सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूंगा हर एक कुमार को कि आप खुद ही आदर्श बनने का लक्ष्य रखें, जो बाबा चाहते हैं। सी फादर, सी मदर फॉलो मदर, ये तो हमारे सामने है ही, बाबा और मम्मा का जीवन एक आदर्श रूप में। और बाकी जैसे मैंने कहा कि मुरली में सब चीजें हैं, तो उन चीजों को जो बाबा मम्मा के जीवन में था हम धारण करके खुद ही आदर्श बन जाएं, ताकि जो ये प्रश्न आपका है कि हम किसे देखें, तो जो अब आने वाले हैं या आपके चारों तरफ हैं उनके मन में कोई प्रश्न ना रहे कि हम किसे देखें, कि चलो अब हम रोहित भाई को देख लेते हैं, हम सुभाष भाई को देखते हैं, ये कैसे चल रहे हैं। मेरे मन में बहुत पहले एक चीज थी कि सबसे बड़ा इनाम क्या होगा जो बाबा मुझे दे। तो मन में ये ख्याल था कि जिस दिन बाबा ये कहें कि देखो जैसे ये बच्चा, जैसे रोहित चल रहा है ना, वैसे तुम चलो, इसको देखो, इसको फॉलो करो, जिस दिन बाबा ने ये कहा वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा प्राइज है और मेरा जीवन सफल है। तो मैं इस चीज को मानता हूं और आप सबको भी मैं यही कहूंगा कि हम हरेक ऐसे बन जाएं कि बाबा कहे कि देखो जैसे ये बच्चा, नाम सहित, आप सबके नाम मुझे नहीं पता है, नाम सहित ये सोचे, बाबा ये कहे जैसा मेरा ये बच्चा है, सैंपल है, एग्जाम्पल है, इसे देखो। और लोगों को बाबा ये कहें कि यदि तुम्हें देखना है कि मैंने क्या शिक्षा दी है, इसके जीवन को देख लो, तो ये अच्छा नहीं रहेगा रोहित भाई? जी भाई जी, बिल्कुल। और सही कहा आपने कि अव्यक्त वाणी और मूर्तियों को पढ़ने से ही ऐसा लगता है कि शक्तियां प्राप्त हो रही है। और कभी हमें किसी दीदी ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि आप किसी की भी क्लास सुनो, आपको उमंग उत्साह आएगा लेकिन शक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन बाबा की वाणी पढ़ के उमंग तो आता है लेकिन शक्ति भी मिलती है, क्योंकि वो भगवान वाच है। तो जरूर हम इस अमल में लाएंगे। और आगे मैं क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए एक दो प्रश्न और लेना चाहूंगा, फिर हम आज के सत्र को समापन करेंगे। भाई जी, अगला प्रश्न है, बेहद की सेवा का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? कई बार हम सोचते हैं दूसरे सेंटर या अलग अलग जगह जाके सेवा करेंगे लेकिन हमें बड़े रोकते हैं, तो बेहद की सेवा माना क्या? देखिए, बेहद की सेवा का मतलब ये स्थूल सेवा नहीं है। बेहद मतलब ये है कि आप अपनी मनसा से सारे विश्व को सकाश दें, शक्तियां दें। बाबा का एक महावाक्य मैं आपको बताऊं, बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें लेके सारे विश्व को देना। उसके अलावा जो अन्य तुम सेवाएं करते हो वो निमित्त मात्र है।
ये बेहद की सेवा है कि हम बाबा जो हमें दे रहे हैं शांति, शक्ति, पवित्रता, गुण, उसे लेकर के सारे विश्व को दें। आत्माएं जो अनिद्रा की रोगी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तड़प रही हैं, उन सबको अपनी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस दें, ये बेहद की सेवा है। हम जब बेहद की सेवा सोचते हैं तो स्थूल रूप से सोचते हैं कि ये मेरा सेंटर है, अब मैं वहां भी जाके सेवा करूं वहां। ठीक है, ये हमारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन जहां आप हैं और निमित्त आत्माओं के द्वारा यदि आपको छुट्टी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, आप जहां हैं वहां सेवा करें। लेकिन ये जो सेवा है मनसा की सेवा, उसके लिए हम जैसे अभी ऑनलाइन सेवाएं चल रही हैं, अब यहाँ कोई बाउंड्रीज ही नहीं है ना। पहले बाउंड्री थी कि हाँ इस सेंटर की इतनी बाउंड्री, इस जोन की इतनी बाउंड्री, बाबा ने अब सेंटर, जोन, देश, विदेश, सारी बाउंड्रीज खत्म कर दी हैं। तो मनसा के साथ भी कोई बाउंड्री नहीं, ये बेहद की सेवा बाबा कहते हैं। और दूसरी बेहद की सेवा है हम अपने चलन, चेहरे, व्यवहार के द्वारा सेवा करें, ये भी आपकी एक बेहद की सेवा है आगे के लिए भी। जो भी आपको देखेगा, कहीं भी देखेगा, किसी भी रूप में देखेगा, टेलीविजन में देखे, ऑनलाइन देखे, चलते फिरते देखे, हम चलते फिरते म्यूजियम बन जाएं, ये भी हमारी बेहद की सेवा है। तो हमारी बेहद की भावना, बेहद की वृत्ति, बेहद के संकल्प, बेहद विश्व को वाइब्रेशन देना, ये वास्तव में बेहद की सेवा है। और जब ऐसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कि मैं बेहद का हूँ, विश्व का हूँ, सारे विश्व का कल्याण करने वाला हूँ, तो बाबा कहते हैं कि जो ऐसे अपने आप को तैयार कर लेगा वो विश्व के मंच पर भी आगे चल करके जरूर आएगा। अभी भी मानसिक रूप से विश्व के मंच पर है वाइब्रेशंस के थ्रू, आगे भी बाबा ऐसी आत्माओं को विश्व के मंच पर लाएगा। ये बेहद की सेवा है, अपने आप को अपने संपूर्ण अवस्था में ले आना, भविष्य की सेवाओं के लिए तैयार कर लेना, ये बेहद की सेवा है। तो हम इस पर ध्यान दें, ये जो बाउंड्रीज हैं और वहां जाके मैं सेवा करूं, हम ये सोचते हैं, और यदि इसमें थोड़ा व्यवधान है, यदि निमित्त आत्माओं की छुट्टी नहीं है, तो इस पे ज्यादा संकल्प ना चलाएं, अपने आप को आंतरिक रूप से तैयार करें। जी भाई जी, थैंक यू। और सही कहा आपने, क्योंकि हमारे सामने ब्रह्मा बाबा स्वयं एग्जांपल है, उन्होंने बाहर कहीं कदम नहीं रखा भारत से बाहर, और पूरे विश्व के फर्स्ट प्रिंस और महाराजन वो है, तो शायद वृत्ति के द्वारा ही सेवा की। तो भाई जी, अगला प्रश्न है, कभी कभी कुमार कंफ्यूज होते हैं, जब बहुत योग करते हैं, भक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि सेवा करें, और जब सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है कि योग, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इवन योग में भी बैठते हैं तो सेवाओं की ही संकल्प चलते रहते हैं, तो इसके लिए हम बैलेंस कैसे करें, ये आप थोड़ा बताएं। और जैसे अभी लॉकडाउन है तो इस वक्त क्या सेवा करें अगर हम सेंटर नहीं जा पा रहे। देखिए, जब जो करना है तब हम पूरे अपने मन बुद्धि से वही कार्य करें। जब योग कर रहे हैं तो पूरी तरह एकाग्रता के साथ योग पर फोकस्ड रहें, और जब हम सेवा कर रहे हैं तभी कर्म योगी बन करके सेवा के फील्ड में जिस चीज की आवश्यकता है हम वो करें। जैसे स्कूल में भी पीरियड होते हैं, साइंस का पीरियड है तो हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ का है तो मैथ पढ़ते हैं, वैसे ही हमारा योग का जब सब्जेक्ट है, हम योग में बैठ रहे हैं, तो फिर सेवाओं के संकल्प ना करें। ठीक है, यदि आ गया वो संकल्प, आया, सेवा के संकल्प अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन योग के समय हम स्पेशली योग के सुंदर गहराई में जाने का ही लक्ष्य रखें। यदि वो संकल्प आया, आप डायरी पेन लेके बैठो, संकल्प को लिख दीजिए, और उसके बाद वो संकल्प वहीं शांत हो जाएगा, आगे आप अपने योग के फील्ड में आगे बढ़ें। बाकी जब हम सेवा कर रहे हैं तो सेवाएं तो वैसे भी हमारे लिए एक ऑक्सीजन है और हम सबको करना ही है, वहां पे भी हम बाबा को साथ लेकर के कर्म योगी होकर के करें। लेकिन जब जब जहां जहां हमें रहना है मन बुद्धि से, तब तब वहां ही रहें। और जो ये सोच आ जाती है कि जब हम बहुत ज्यादा योग कर रहे हैं सेवा करनी चाहिए, या सेवा कर रहे हैं तो योग करना चाहिए, बैलेंस बाबा ने हमें सिखाया है, इसीलिए बांट लें। जब बैठ करके योग का समय है, उस समय बैठ करके करें ही, उस समय भी योग में ना लगे रहें। कई बार हम होता है कि शाम को भी हमारा योग का समय है, हम सेवाओं में लग गए, जब आवश्यक है तब तो हम जरूर ये करें, अदरवाइज जो सेवा का समय है उस समय को सेवा में और योग के समय को योग में लगाएं।
लॉकडाउन का भी समय है, सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास सबसे अच्छी साधना का समय है और मनसा सेवा का समय है, अपने आप को अंदर से तराशने का समय है, अपनी कमी कमजोरियों पे वर्क करने का समय है। अव्यक्त मुरलियां इतनी हमारे पास हैं, अव्यक्त मुरलियों की हम स्टडी कर सकते हैं, अपने योग के चार्ट को बढ़ा सकते हैं। यदि हम ये सारे कार्य करेंगे, समय हमारा सुंदर सफल होगा, हमारी स्थिति सुंदर बनेगी। और इस समय सेवाओं में यदि विशेष करना भी चाहते हैं, मुझे लगता है कि विश्व को सकाश देना, विश्व की मनसा सेवा करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है वर्तमान के समय पे, हम वो करें। ऑनलाइन भी आप सब कुछ सेवाओं के साथ जुड़े ही हुए होंगे, कई व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी सेवाएं देते हैं, कोई अन्य भी स्थानों पे सेवाएं देते हैं, तो ऑनलाइन भी जो क्लासेस या सेवाओं में आप मदद कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपनी मदद या सेवाएं अवश्य दें, ये जरूर कर लिया करें। तो बैलेंस लेकर के चलें, जब योग और सेवा की बात आती है तो दोनों का सुंदर बैलेंस, सभी सब्जेक्ट में जैसे बाबा कहते हैं, तो ज्ञान और योग सेवा का बैलेंस होगा तो जीवन निर्विघ्न भी रहेगा और ये जो संकल्प है वो संकल्प नहीं आएगा आपको। जी भाई जी, बहुत सुंदर आपने बैलेंस को क्लियर किया कि बहुत सारी युक्तियां हम उसे रच के दोनों का बैलेंस कर सकते हैं। तो वैसे तो इतना अच्छा लग रहा है भाई जी से आज प्रश्न उत्तर सुनकर, और तीन चार महीने से जो लॉकडाउन में कुमारों को काफी इच्छा होती है हमेशा ही मधुबन निवासियों से, दीदियों से, दादियों से पालना लें, रूह रूहान करें, तो आज मैं समझता हूँ सबकी वो दिल की आस पूरी हुई, और खास आपसे क्योंकि हमारे सब हम सब युवाओं के आप विशेष स्रोत हैं। तो आज के सत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अमूल्य समय निकाल के आज हम कुमारों को वो प्यार दिया, वो स्नेह दिया, वो पालना दिया प्रश्न उत्तर सेशन के थ्रू ही। और शायद बाबा कहता था एक समय कि एक समय आएगा जब ये साधन तुम्हारे काम आएंगे, तो आज वो समय अनुभव हो रहा है कि कैसे आपसे हम मिल रहे हैं और वो वाइब्रेशन भी आ रहा है, नहीं तो इतने दूर से वाइब्रेशन साइंस तो इसको नहीं मानेगी, लेकिन यहाँ हम फील कर पा रहे हैं कि वो अनुभव आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल में ये होता है, लास्ट संडे भी दशरथ भाई जी की पुणे से सेशन थी, तो जब वो बाबा का अनुभव सुना रहे थे तो हम उसमें ऐसे खोए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि हम ही वो हैं जो उस समय वो थे। तो आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आशा करूंगा भाई जी फिर हम कुमारों से मिलेंगे, आज क्योंकि उनका शेड्यूल व्यस्त है तो आज उन्हें छुट्टी लेना पड़ रहा है। तो भाई जी थैंक यू, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, अनिश्चित रूप से मिलते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़ते रहें, अपने योग के चार्ट को बढ़ाते रहें और साथ ही ज्ञान की गहराई में भी बहुत अच्छे से उतरते रहें, हमारे दिल की बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं। चलिए एक मिनट बाबा की याद में बैठकर आज के सत्र को पूरा करते हैं। सभी एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और आप सभी भाई जी को फिर अनम्यूट करके सभी आप थैंक्स कर सकते हैं। एक मिनट के बाद सभी अपने माइक अनम्यूट करके आप भाई जी को थैंक्स कर सकते हैं। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपने नेक्स्ट क्लास। थैंक यू भाई साहब, बहुत थैंक यू आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, थैंक यू भाई जी। एक मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।
शांति, थैंक यू वेरी मच सभी भाइयों को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। जी भाई जी, थैंक यू भाई जी, थैंक्स भाई जी, हेलो, थैंक यू भाई जी, हम लोग भाई जी, भाई जी वो, थैंक यू, ओम शांति ब्रदर, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। एक चीज बताने की कि हम लोग सभी भाई लोग मिलके सुबह 5:30 बजे अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं। अभी 1971 की मुरली हम पढ़ रहे हैं जूम पर, तो जो भी भाई ज्वाइन होना चाहते हैं उसमें तो अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में डाल दीजिए, तो हम आपको उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग अमृत वेला के बाद जो सोने की आदत है वो हमारी बहुत ईजिली ठीक हो जाती है, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भाइयों के हो रहे हैं, और बहुत अच्छा डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, और शाम को भी 8:30 बजे हमारी जूम मीटिंग होती है, उसमें हम बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं, मुरली चिंतन करते हैं, स्पार्क की बुक्स पढ़ते हैं। तो जिन भी भाइयों को ऐड होना है प्लीज़ अपने जो ग्रुप में चैट है उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, आपको हम ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट संडे भी बहुत अच्छी कोई ना कोई महारथी की क्लास होगी, तो कोई भी भाई ये क्लासेस मिस ना करें। ओम शांति।